हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपके लिए सभी का आभार करता हूँ और मैं 2000 सब्सक्राइब होने के लिए आपका सभी का शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, फिलहाल जो भी आपका प्यार है वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तो फिलहाल आपके लिए जो वीडियो लाओ, तो बजाज की जो फोर स्ट्रोक गाड़ी है, BS4 या BS3 कोई भी हो, तो अभी एक्सलेटर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। और जो वीडियो आया है तो उसको बहुत से वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों, बजाज RE कॉम्पैक्ट जो BS3 हो या 4, तो फिलहाल जो इसका जो एक्सलेटर का प्रॉब्लम है वो उसके बारे में आज की पूरी जानकारी। क्योंकि एक्सलेटर ज़्यादा होने से बहुत से दोस्त लोग घर पे कुछ जुगाड़ कर देने का प्रॉब्लम या उससे और बढ़ जाता है, उससे अच्छा आप मिस्त्री के पास या फिर फिटर के पास जाके उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, कोई ना हो, जहाँ हम हैं वहाँ कोई गम नहीं। तो दोस्तों, फिर मैं हूँ अनिल बागुल, आप देख सकते हैं मैं हूँ महाराष्ट्र नासिक से और आपके लिए मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो दोस्तों, चले आगे बढ़ते और आगे वीडियो की जानकारी आपको साझा करते हुए समझाने की बात करते। दोस्तों, बहुत से ऑटो ड्राइवर बारिश के दिनों में या फिर जब से ऑटो लेते हैं तो उसमें कोई जो मेंटेनेंस के बारे में ध्यान नहीं देते, उसके बाद या फिर गाड़ियों में जो भी वायर, क्लच वायर, गियर वायर में कोई दिक्कत आती है, उसके बाद ही फिटर या मिस्त्री के पास जाते हैं और हम उसका सोल्यूशन देते। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये वायर डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण जो इसका जो एक्सलेटर वायर है वो पूरी तरह डैमेज होने के बाद उसको अभी रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने से पहले आपको बता दें, जो वायर है 150 से 200 के पास उसकी प्राइस या MRP अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस पुरानी ऑटो रिक्शा का जो एक्सलेटर वायर है और नई वाले का जो दोनों के मुंह के सिराने जो गठान होती है उसे अच्छी तरह से PVC टेप या फिर कोई आपके पास जो डोरी हो प्लास्टिक की, उससे आप बांध के इस तरह बांध देना है, जिसके ऊपर के दोनों हिस्से, तो ये नीचे का और ये ऊपर का इस तरह बांध देना है, जिसके कारण जब पुरानी वायर खींचेंगी तो नई वायर उसके साथ पीछे की तरह आ जाएंगे। तो फिलहाल आप इसको पूरी तरह से खोलने के बाद नई वायर का जो ऊपर वाला सिराना है, जो उसके ऊपर की गठान है, जो एक्सलेटर में उसकी गुंडी फिट करनी है, तो इसके पहले आपको डैशबोर्ड से सीधा उसके हैंडल बार में से निकाल लेना है। तो दोस्तों, फिलहाल आप ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिले। तो ये मेरा दोस्त इमरान, तो बहुत सारे वीडियो उसके साथ ही रहते हैं, कभी कभार हो जाता है मुझे टाइम नहीं मिलता है और वो अपना काम करते रहता है और आपके लिए मैं वीडियो थोड़ा देर से बना देता हूँ, तो उसके लिए आपके लिए मैं ऐसे वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊँ और अपलोड कर दूँ, जिसके कारण आपको आगे चल के खुद की गाड़ी ऑटो रिक्शा बजाज RE कॉम्पैक्ट 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो या कोई और। तो देख सकते इस तरह उसके नीचे की तरह जाना है और पुरानी वायर और नई वायर को एक साथ बांधने के बाद आपको उसको हल्के हाथ से धीरे धीरे खींच लेना है। क्योंकि दोस्तों, नई वायर पुरानी वायर को अच्छी तरह से खींचने का उसको धीरे खींचना है, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग और इनर आउटर का जो नई और पुरानी को इस तरह हल्के हाथ से खींचना कारण इस तरह है, क्योंकि उसमें कभी प्ले या गैप हो जाने के बाद ये नई वायर पूरी तरह ख़राब हो जाएंगी, फिर से आपको नई वाली वायर लेनी पड़ सकती है। तो आपको ये बात पता चलने के बाद आपको आगे चलते जो इनर और आउटर उसमें असेंबल तो होता नहीं है, करने की कोशिश करना चाहते तो फिटर कर सकते, पर वो दोस्तों होता क्या है उसमें प्रॉब्लम होता है, एक्सलेटर और जो टाइमिंग है गलत होता है और गाड़ी का माइलेज डाउन हो जाता है। इसलिए आपको जो कंपनी ने दी हुई वायर ही जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट दुकान से ही लेनी, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर एक्सलेटर वायर जो पुरानी वाली हो, तो पर दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ का गड़बड़ ना करें, क्योंकि बजाज 4 स्ट्रोक की गाड़ी जो नई वाली गाड़ी है या फिर BS6 BS4, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि कभी कभी जुगाड़ काम कर देता है और कभी कभी जुगाड़ सिर दर्द बन जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, कभी कभार आपके पास जो भी चीज़ है उसे इस्तेमाल किस तरह करना है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं ये पिस्टन है जो एक्सलेटर का है, उसको आपके पास पेट्रोल या फिर कैरोसिन या फिर कोई साफ कपड़े से उसे साफ करना है, क्योंकि उसके ऊपर जो कार्बन या कोई ऑयली चीज़ ज़्यादा ना डाले, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डाले 4 स्ट्रोक गाड़ी है, आपको पता ही है 4 स्ट्रोक गाड़ी में ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, जिसके कारण गाड़ी में से कार्बन, धुआं और बाकी चीज़ें नुकसानदेह होती है। दोस्तों, फिलहाल पिस्टन स्प्रिंग इसका जो मिलाप अच्छे से करने के बाद, स्प्रिंग में कोई गैप ना हो अच्छे से देख लेना है, जो एक्सलेटर और ये चीज़ें साफ करने के बाद ही फिटिंग करना है और हो सके पिस्टन को अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है। तो इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बना सकूँगा, जो पिस्टन और रिंग और बाकी चीज़ें जो प्रॉब्लम देती है
जो एक्सलेटर पिस्टन बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ अनिल बागोल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। और दोस्तों मैं हूँ नासिक महाराष्ट्र से, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहते हो। तो आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना है, और हो सके चैनल पे आए हो, नए हो, नया कोई आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मेरा दोस्त इमरान यहाँ आप देख सकते हो काम में पूरी तरह इन्वॉल्व होने के बाद वो ध्यान देता नहीं कैमरे की तरह। पर इसलिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभार गाड़ी का काम पूरा तो हो चुका है और गाड़ी जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसे आगे का जो बिजनेस है उसका उसको करना है। तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो के लिए आपके लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखना है, ऑटो रिक्शा ज्ञान और मैं अनिल बाबू ऐसे बहुत सारे वीडियो। तो काम होने के बाद उसका टेस्ट लेते और उसको गाड़ी होने के बाद आपको अगले वीडियो के लिए आपको लाइक और शेयर और आने वाली अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन दबाने दोस्तों, ध्यान रखना। मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान और मैं हूँ अनिल बागोल नासिक महाराष्ट्र। तो वीडियो के लिए गाली का सूट पट्टे पे पिंदड़ पिंदड़ के गाड़े के बाद थाम।